नमस्कार दोस्तों, आज हम मैनुअल डोर लॉक्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस तरह के लॉक्स ओल्ड गाड़ी जैसे वैगनर, टेम्पो में उपयोग किए जाते हैं। मॉडर्न कार्स में तो अभी सेंट्रल लॉकिंग का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन सब का बेस इसी मैनुअल लॉक पे आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप डोर को खोलते हैं तब गाड़ी के चेसिस पे ऐसा हुक बना रहता है। अगर आप डोर पे देखें तो ऐसा खाचा तो आपको दिखा ही होगा। इसी के अंदर सब खेल होता है। चलिए हम जानते हैं डोर बंद करने के बाद ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। लॉक असेंबली हमें देखने में कुछ ऐसी दिखती है। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें दो स्पर गियर्स दिखते हैं। ये दोनों स्पर गियर्स स्प्रिंग पे बिठाए जाते हैं। दोनों गियर टीथ के बीच लगाया जाता है लॉकिंग प्लेट, जो स्प्रिंग लोडेड रहने के साथ ही नीचे रिलीज नॉब से कनेक्टेड रहता है। जब डोर को क्लोज किया जाता है तब हिंज गियर्स को घुमाते हुए नीचे जाते हैं। अब यहाँ दो प्रोसेस होते हैं। पहला कि लॉकिंग प्लेट के चलते गियर्स अपनी जगह पे बने रहते हैं और वापिस नहीं घूम सकते, और दूसरा कि गियर्स घूमते वक्त स्प्रिंग को लोड कर देते हैं, जिसका लॉकिंग सिस्टम में बहुत अहम हिस्सा है। गियर्स के लॉक होते ही आप देखोगे कि गियर्स के शेप के चलते हुक दोनों गियर्स के बीच फंस जाता है और डोर लॉक हो जाता है। अब इसे अनलॉक करने के लिए नीचे रिलीज नॉब दिया जाता है। ये नॉब डोर हैंडल से कनेक्टेड रहता है केबल्स के जरिए। जैसे ही हम अनलॉक करने के लिए हैंडल को खींचते हैं तब रिलीज नॉब लॉकिंग प्लेट को कुछ इस तरह से घुमाता है। अब क्योंकि गियर स्प्रिंग लोडेड रहते हैं इसलिए वो फिर से अपनी जगह पे वापस आते हैं और हुक रिलीज होते हुए दरवाज़ा खुलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज़ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।